सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन बदलते दौर में सऊदी ने इस बात को अच्छे से भांप लिया है कि तेल की खपत आने वाले समय में दुनिया भर में कम हो जाएगी। सऊदी अरब अब अपनी इकोनॉमी को दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट कर रहा है। सऊदी अरब ने अपने कॉफी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉफी के साथ कॉफी अग्रीमेंट 2022 पर साइन किए हैं। ये ट्रेड समझौता सऊदी के ब्रिटेन में मौजूद दूत प्रिंस खालिद बिन बंदार के साथ हुआ। इस समझौते के तहत सरकार, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी की मदद से कॉफी के विकास के लिए उन तरीकों की तलाश करेगी जो भविष्य में ग्लोबल कॉफी वैल्यू चेन को बढ़ावा देंगे। ICU यानी इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर सऊदी अरब से डील साइन होने के बाद उम्मीद जता रहे हैं कि सऊदी अरब उनके वैश्विक समुदाय के लिए एक अनोखा और नया कॉफी का स्वाद लाएगा। अग्रीमेंट साइन होने के बाद डायरेक्टर ने कहा कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप के इरादे से की गई ये डील कॉफी परंपराओं की विविधता को दिखाती है। हम मिलकर इस क्षेत्र के विकास और सुरक्षा पर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि हमारी सऊदी के साथ साझेदारी फलेगा फूलेगा, क्योंकि हम अपनी पार्टनरशिप में भविष्य के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं। प्रिंस खालिद ने कहा कि किंगडम का कॉफी कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ये बदलाव हमारे विजन का हिस्सा है, क्योंकि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए इसका बड़ा योगदान है।